तो दोस्तों बता रहा हूँ मैं आपको कितना कट ऑफ जाएगा। आप देख सकते हैं पोस्ट वाइज, तो पोस्ट वैकेंसी, तो ये देख सकते हैं पोस्ट वैकेंसी अनरिजर्व का कितना था, 164 था, और ओबीसी का था 121, एससी का था 18, और एसटी का था 26, ईडब्ल्यूएस का था 42, और एक्स सर्विसमैन का था 27। ठीक है, हैंडीकैप को इसमें ऐड नहीं किया हूँ, और देख सकते हैं ये। और इसका अगर 10 गुना करें तो इतना कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठेंगे। ठीक है, गुने दस अगर इसका 10 गुना करें तो इतने कैंडिडेट अपियर होंगे। और देख सकते हैं आरटीआई का रिप्लाई जो है कि इतना आया था, इतने इतने कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाने वाला है ओबीसी का और एससी का। सबसे ज़्यादा कट ऑफ ओबीसी एसटी का जाने वाला है, ओबीसी एससी का जाने वाला है दोस्तों, सबसे ज़्यादा कट ऑफ। ठीक, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे कितना नंबर पे बनेगा इसका, आपको दिखा रहा हूँ मैं, देख सकते हैं ये आया आपको आरटीआई का रिप्लाई के अनुसार। अगर इतने कैंडिडेट हैं तो इसमें 164 से भाग दें हम, तो एक सीट पे 40 कैंडिडेट बन रहे हैं अनरिजर्व का। और देख सकते हैं इसको मैं रेड में किया हूँ, तो ये ओबीसी में एक सीट पे 142 बंदे बैठ रहे हैं। ठीक, ओबीसी में एक सीट पे 142 बंदे बैठ रहे हैं। ठीक, और एससी में एक सीट पे 167 बंदे बैठ रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये दोनों में कंपटीशन टफ है, और सबसे कम कंपटीशन है दोस्तों ईडब्ल्यूएस में। देख सकते हैं एक सीट पे 131 बंदे बैठ रहे हैं। ठीक, एक सीट पे 131 बंदे बैठ रहे हैं। ठीक, एससी में एसटी में भी कम कट ऑफ है, क्योंकि एक सीट पे 44 बंदे बैठ रहे हैं। तो दोस्तों ये सबसे कम कट ऑफ जाने वाला जोन है ये आपको एसटी और ईडब्ल्यूएस, ये दोनों सबसे कम कटअप जाएंगे। और क्या कहते हैं ये अनरिजर्व वाला भी, इसमें भी कम कटअप जाने की संभावना है। ठीक है, तो दोस्तों अब बताएंगे आपको कितना कितना कटअप जा सकता है, कितना नंबर जा सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ओबीसी का आपको 130 नंबर तक जा सकता है, और अनरिजर्व का 130 नंबर तक जा सकता है, और ओबीसी का आपको 134 तक जा सकता है, और एससी का 134 भी चौंतीस जा सकता है, और एसटी का 115 जाएगा, और ईडब्ल्यूएस का 110 तक जा सकता है, और एक्स सर्विसमैन का 85, इसको छोड़ दीजिए। ठीक, तो दोस्तों सबसे कम कट ऑफ इसमें रह रहा है 110 ईडब्ल्यूएस में। ठीक, और सब उसके बाद एसटी है, उसके बाद ये सब सारे तीनों है दोस्तों। तो आप जो है कि अगर एसटी और एससी में आते हैं, और नहीं सॉरी एसटी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो जो है आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए, और आपको कट ऑफ कम मिलने वाली है। फिर भी 115 प्लस आप कीजिएगा स्कोर, तो आपका कोई चांस बन सकता है। अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपको आगे भी मौका मिल सकता है जाने का आगे वाले श्रेणी में। तो आप अगर 130 प्लस की संभावना रखते हैं, आप ला सकते हैं, तो जो है कि आपको 100% आपका सीट मिलने वाला है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों यही रहा आज का कट ऑफ, जो है कि सबसे बेहतरीन कट ऑफ मैं लाया हूँ, और ये सटीक कट ऑफ है। वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये कट ऑफ 100% एक्यूरेट है और आने वाला ही है, इसके ही आजू बाजू इसको आने वाला है, सबसे कम आने वाला है ईडब्ल्यूएस का और एसटी का। ठीक, तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही।